आज 6 दिसंबर 2022 है और आप सभी जानते हैं कि 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हम सबको छोड़कर दुनिया से चले गए थे। आज उनकी यादें, उनके किए हुए कार्य हमारे बीच में हैं। उन्हीं को याद करने के लिए, बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए, पुष्प अर्पित करने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है और इस कार्यक्रम में काफी लोगों ने हिस्सा लिया। सभी ने पुष्प अर्पित करके बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी, नमन किया। मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग आए थे उन्होंने बाबा साहब के किए हुए कार्यों पर चर्चा की, परिचर्चा की और जो उनके सिद्धांत थे, जो यादें वो छोड़कर गए हैं, जो विचार वो छोड़कर गए हैं, सभी ने ये प्रण किया कि उन विचारों को हम आगे बढ़ाएंगे। बाबा साहब का भारत के संविधान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उस योगदान के ऊपर भी चर्चा की गई थी और जो समता मूलक समाज बाबा साहब बनाना चाहते थे उस समता मूलक समाज की जरूरत आज बहुत ज्यादा है और जो संवैधानिक संस्थाएं संविधान के अंदर दी गई हैं उन सभी संवैधानिक संस्थाओं को मजबूती करने का वक्त है क्योंकि आज संविधान को तहस नहस करने की कोशिशें सरकारें कर रही हैं। इन कोशिशों को हम सबको मिलकर विफल करना है। बाबा साहब की जो सोच है उसको हमें आगे बढ़ाना है क्योंकि बाबा साहब की सोच सबको साथ लेके चलने की थी, समतामूलक समाज बनाने की थी। बाबा साहब ने महिलाओं के उद्धार के लिए भी बहुत कार्य किए, महिलाओं को बहुत अधिकार दिलाए, शोषित वंचित तबके जो समाज में है उनको बाबा साहब ने अधिकार दिलाए। बाबा साहब ने हमेशा सामाजिक न्याय की बात की और इसी सामाजिक न्याय पर आज यहाँ पर चर्चा हुई है। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा जिन लोगों ने आज की चर्चा और परिचर्चा में हिस्सा लिया और जिन लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।